मूवी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि जो एडवर्ड है वो किम से प्यार करने लगा है, पर यहाँ पर जो किम का बॉयफ्रेंड था यानी कि जिम, उसे ये चीज़ें पसंद नहीं आती, तो वो वहाँ पर एडवर्ड से बदला लेने की कोशिश करता है। तो आज उसके बाद का सीन हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या उस मूवी में आगे आज होने वाला है। तो यही देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करें। हम लोग देखते हैं कि किम यहाँ पर जिम को समझा रहा होता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम एक रोबोट से प्यार नहीं कर सकती। पर तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि जो किम होता है वो एडवर्ड के साथ एक बदला लेने का प्लान बनाता है और वो यहाँ पर जिम को अपने साथ लेकर चला जाता है एक हाउस में। वो यहाँ पर सोचते हैं कि उनको इस हाउस में एक कार मिलेगी, वो यहाँ पर बेसिकली एक चोरी करने वाले थे, पर यहाँ पर लॉक तोड़ने के लिए उन्हें यहाँ पर एडवर्ड की जरूरत पड़ती है। वो एडवर्ड को लेकर आते हैं बहला फुसला के, तो एडवर्ड अपने लॉक खोल देता है अपने हाथों से, पर हम देखते हैं कि लॉक खोलने की वजह से उस घर का अलार्म खुल जाता है और वहाँ पर जो एडवर्ड होता है वो उसी घर में लॉक हो जाता है। उस घर के सारे लॉक लग जाते हैं, सारे विंडोज उस घर की सीज हो जाते हैं। हम यहाँ पर जिम को देखते हैं जो कि किम को यहाँ पर किडनैप करके ले जाता है अपने कुछ बदमाश दोस्तों के साथ अपनी कार में। अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि पुलिस आ जाती है। हम यहाँ पर देखते हैं कि वो पुलिस यहाँ पर एडवर्ड को पकड़ लेती है और पुलिस को लगता है कि एडवर्ड ही चोर है। एडवर्ड भी हैंड्स अप करके बाहर आ जाता है पुलिस के पास और पुलिस उसे कोर्ट में पेश कर देती है। वहाँ पर जो कोर्ट होता है वो उसे सजा नहीं देता, क्योंकि बेसिकली वो एक पहले तो रोबोट ही था, वो एक इंसान नहीं है। हम लोग देखते हैं जो लेडी थी जो यहाँ पर एडवर्ड को लेकर आई थी, वही लेडी अब एडवर्ड को लाती है कोर्ट से और वापस अपने घर ले जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स भी थे। अब हम लोग देखते हैं कि जो किम होती है वो यहाँ पर एडवर्ड से कहती है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई, तुमने मेरा नाम क्यों नहीं लिया कोर्ट में। तो एडवर्ड कहता है कि मैं तुम्हारे कहने पर ही मैं वहाँ पर गया था, तो मैं तुम्हारा नाम नहीं ले सकता था। अब ये देखकर यहाँ पर किम उससे और भी ज़्यादा प्यार करने लगती है। हम लोग देखते हैं कि एक दिन क्रिसमस पार्टी का दिन होता है, लोग क्रिसमस की सजावट कर ही रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि जो एडवर्ड होता है वो बाहर होता है और वो एक काम कर रहा होता है कि वो यहाँ पर किम के लिए एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा बना रहा होता है। और वो तोहफा ये था कि वो एक बर्फ को उसी के आकार में काट रहा था, जिससे कि किम को बहुत अच्छा लगे और किम को लग रहा था कि स्नोफॉल हो रही है, पर वो स्नोफॉल नहीं थी, वो एडवर्ड ही कर रहा था। उस बर्फ के टुकड़े को काट के जो उसके छोटे छोटे पीस गिर रहे थे उसे वही लग रहा था कि वो स्नोफॉल है। हम देखते हैं कि किम यहाँ पर एडवर्ड को नीचे बुलाती है, जिससे कि एडवर्ड डर जाता है और उससे एडवर्ड का जो हाथ है वो कट जाता है, यानी कि एडवर्ड किम के हाथ को काट देता है। अब यहाँ पर किम की मोम आती है, वो कहती है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है। पर तभी वहाँ पर जिम आ जाता है जो कि एडवर्ड को बुरा भला कहता है, उसे धक्का देने लगता है, उसे मारने लगता है। अब ऐसा देखते हुए एडवर्ड के जो फादर थे यानी कि जो स्टेप फादर थे एडवर्ड के, वो भी उसे कुछ भी नहीं कहते। हम लोग देखते हैं कि एडवर्ड किम के दिए हुए कपड़े को फाड़ कर वहाँ से चला जाता है, जिससे कि बहुत बुरा लगता है। और उसने जो भी अपना कुछ आर्ट बनाया था वो उस आर्ट को तोड़ फोड़ के चला जाता है। उसे ये करता हुआ देख सारे पड़ोसी देख रहे होते हैं, जिससे कि वो पुलिस को कॉल कर देते हैं। तो ये लोग यहाँ पर एडवर्ड को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और एडवर्ड क्या करता है कि वहाँ पर एक कोने में एक कुत्ते के साथ बैठा होता है, अपना टाइम फोड़ रहा होता है। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे ही सब लोग एडवर्ड को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाते हैं, एडवर्ड यहाँ पर किम के पास घर पे जाता है और उसे गले लगता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और किम भी कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अब हम लोग देखते हैं कि ये लोग खिड़की के बाहर खड़े होते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं और यहाँ पर एक दूसरे को हग भी करते हैं, जो कि एक इन दोनों के लिए गोल्डन मोमेंट था। यहाँ हमें पता पड़ता है उस साइंटिस्ट के बारे में जो कि एडवर्ड को हाथ लगाने ही वाला था, पर हम देखते हैं जैसे वो हाथ लगाता उसको हार्ट अटैक आ गया और वो आदमी मर गया। हे गाइस, वेट वेट वेट, मैं आप सभी लोगों के लिए एक दूसरा चैनल बनाया है जहां पर मैं कुछ पॉपुलर एनिमेस को एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप लोग कमेंट करके बताइए इस वीडियो में कि आप लोगों को कौन सा नेम पसंद है, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अपने दूसरे चैनल पर दूंगा। इस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो एडवर्ड का अधूरा हाथ था वो वहीं पर गिर के टूट गया। हम लोग अब देखते हैं पुलिस आ जाती है और ये सभी लोग एडवर्ड को पकड़ने के लिए जाते हैं, पर एडवर्ड यहाँ पर पहले से ही अपने पैलेस में भाग जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये दुनिया मेरे लिए नहीं बनी है, मैं अपने पैलेस में ही रहना चाहता हूँ। पर तभी वहाँ पर उसके पीछे पीछे किम भी आ जाती है एडवर्ड के पास और वो एडवर्ड को सराहना देती है कि मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर तभी वहाँ पर एकदम से जिम आ जाता है अपनी गन को लेके, वहाँ पर उसे एडवर्ड पे शूट करता है, पर वो एक रोबोट था, मरता नहीं। एडवर्ड उससे कहता है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। इस बात का मौका देखकर जो जिम होता है वो एडवर्ड पे हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। हम यहाँ पर देखते हैं किम भी बीच में आती है, पर यहाँ पर जिम उसे धक्का देकर दूर फेंक देता है और ये सब देखकर एडवर्ड को बुरा लगता है, तो एडवर्ड अपनी चक्कू से ही उस जिम के ऊपर मार देता है और जिम को मार देता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये दोनों यानी कि एडवर्ड और किम यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से किस करते हैं और ये दोनों हमें पता पड़ता है एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। अब यहाँ पर शहर के लोग आ जाते हैं, तो यहाँ पर किम दिखाती है कि मैंने एडवर्ड को मार दिया, क्योंकि उसने उसका एक हाथ ले लिया था और वो नहीं चाहती थी कि इस किसी को मारने के केस में एडवर्ड फंसे।
अब हम लोग देखते हैं वही प्रेजेंट सीन आता है, एक बूढ़ी औरत का जो अपनी ग्रैंड डॉटर को कहानी सुना रही होती है। और यहाँ हमें पता पड़ता है कि ये बूढ़ी औरत किम ही है, जो कि बूढ़ी हो चुकी है। हमें पता पड़ता है कि उसे अभी भी एडवर्ड को पता है कि एडवर्ड अभी भी जिंदा है। हम यहाँ पर देखते हैं उसकी ग्रैंड डॉटर को, जो कि कहती है कि आप एडवर्ड के पास क्यों नहीं जाती। तो वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि एडवर्ड मुझे अपनी यादों में हमेशा याद रखे, क्योंकि अब मैं बूढ़ी भी हो चुकी हूँ, मैं चल भी नहीं सकती। दोस्तों कुछ इसी तरह से ये मूवी यहाँ पर पूरी खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोगों की कमेंट आती है। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।